मेरा कहने का मतलब थोड़ा हम लोग सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा जान के, थोड़ा सही तरीका क्या होता है, सही चीज़ क्या होता है, यही जान के अगर हम केयर ट्रीटमेंट करेंगे हम लोगों का, बार्ड्स या पैरट्स का, तो वो लोग तो बहुत हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आसानी से कोई बीमारी भी नहीं आएगा, और उसका ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड मिलेगा, मतलब नया नया चीक हम लोगों का घर में आएगा, देखने को मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर, और मैं दीपंकर करता हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम सभी बर्ड्स लवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितने सारे लोग घर में बर्ड्स या पैरट्स रखते हैं या उन लोगों का ब्रीडिंग कराते हैं, ज़्यादा करके जो लोग ब्रीडिंग कराते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो, मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में जो बात, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो कैल्शियम के बारे में है। हम लोग सभी जानते हैं कि कैल्शियम बहुत ही एसेंशियल होता है बर्ड्स या पैरट्स के लिए, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग तो, मतलब घर में जब कोई बर्ड्स या पैरट्स लेके आते हैं, टाइम टू टाइम उन लोगों को कैल्शियम प्रोवाइड करते रहते हैं। कैल्शियम मतलब मार्केट में जो मिलता है, समुंदर का फेना, मतलब मार्केट में जो परचेस करने के लिए हम लोगों को मिल जाता है आसानी से, वो देते हैं, और अंडे का ऊपर जो छिलका होता है, मतलब अंडे का जो कवर, मतलब उसे बॉयल करके या ऐसे ही कच्चा उसको डस्ट बना के वो भी देते हैं, और जो झिनुक वगैरह होता है मतलब उनका भी डस्ट मिल जाता है मार्केट से, वो हम लोग एक साथ मिक्स करके कभी कभी हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स को दे देते हैं, और हरे सब्जी वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि कैल्शियम वगैरह मिनरल्स जो कुछ भी चाहिए बर्ड्स या पैरट्स के लिए वो वहाँ से उन लोगों को मिल जाए। तो ये सब प्रोवाइड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स तो ठीक ठाक रह लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो लोग जब एडल्ट हो जाते हैं और ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तभी फिर से वो बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों का सामने आ जाता है, मतलब हम लोगों का सामने बहुत सारा प्रॉब्लम, फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारा कमेंट्स भी आते हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं खुद भी ये देख चुका हूँ, मतलब बहुत बार, मतलब ये भी मेरे साथ हमेशा होता रहता था पहले, अभी तो थोड़ा मतलब नहीं हो रहा है, थोड़ा चेंज कर दिया, कुछ किताबें मैं फॉलो किया और ये जो प्रॉब्लम है इसका जड़ को मतलब समझ लिया अच्छी तरीके से, ये क्यों हो रहा है, क्यों होता है, और उसके बाद उन लोगों का फूड्स, विटामिन, कैल्शियम के मतलब कुछ चेंजेस लाया, और उसके बाद तो हमको अभी तक, मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। तो इसलिए मैं ये बात, ये मतलब जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो मेन जो पॉइंट था, फिर से बहुत सारा प्रॉब्लम जब ब्रीडिंग में हमारा बर्ड्स आ जाता है या वो लोग एडल्ट हो जाता है, ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तभी फिर से बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है या हम लोगों का सामने आ जाता है। वो क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि अंडा ले तो कर देता है, लेकिन उस अंडे का जो कवर होता है वो बहुत ही पतला होता है, और जो देखने को मिलता है अंडा मतलब फर्टाइल नहीं हो रहा है, और अगर फर्टाइल हो रहा है तो अंडे ठीक से क्रैक होके चीक बाहर नहीं निकल के आ रहा है, मतलब अंडे के अंदर ही चीक एक्सपायर हो रहा है, मर रहा है। और जो एक सबसे डेंजर प्रॉब्लम होता है वो है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो जो फीमेल बर्ड होता है अंडा ठीक से ले नहीं कर पाता, वो अंडा उसका पेट में रह जाता है, और कुछ दिन बाद धीरे धीरे वीक होते होते एंड में वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है वो जो फीमेल पैरट। बहुत बहुत सारा फ्रेंड या मैंने खुद भी देखे है, हमारा बर्ड्स के साथ भी बहुत बार ऐसे हो चुका है। ये क्यों? हम लोग तो ठीक ठाक से कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ हम लोगों को जानना है कि हम लोग जो ये मतलब कैल्शियम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे झिनुक का डस्ट और समुंदर का फेना वगैरह जो मार्केट में मिलता है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो अंडे का कवर, ऊपर का जो कवर होता है, और समुंदर का जो फेना होता है, झिनुक का जो डस्ट होते हैं, ये सब तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, इन चीज़ों में से ओनली 10 to 15%, 10 से 15% बर्ड्स या पैरट्स का काम में आता है, बाकी का पूरा वेस्टेज हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जो करना है, कुछ अच्छा कैल्शियम मतलब लिक्विड फॉर्म में या मार्केट में मेडिसिन वगैरह वो हम लोगों को प्रोवाइड करना है। तो अभी क्वेश्चन आएगा, हाँ वो भी तो हम करते हैं, जैसे बहुत सारा कैल्सिलैक्स हो गया,
अच्छा अच्छा ब्रांड का कैल्सिलॉक्स और भी बहुत सारा कैल्शियम है, मैकलवीट वगैरह वगैरह बहुत सारा, वो भी तो हम लोग देते हैं हमारा बार्ड्स या पैरट्स को। तो फिर उसके बाद भी हम लोगों को कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्यों? ये जो क्यों का जो मतलब आंसर है ये है, देखिए हम कुछ भी अगर कैल्शियम हमारा बार्ड्स या पैरट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। मतलब विदाउट विटामिन D3 कोई बार्ड्स या पैरट्स उनका शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। और ये विटामिन D3 सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा जहाँ से सोर्स है, मतलब जहाँ से मिलता है, वो है सनलाइट। सनलाइट में जो यूवी मतलब रसिया होता है, यूवी रसिया, वो जब बार्ड्स या पैरेट्स का स्किन का ऊपर पड़ता है, शरीर में पड़ता है, तो वो एक क्रिया करके विटामिन D3 तैयार हो जाता है, वहाँ से क्रिएट होता है। लेकिन हम सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, जो बार्ड फार्म हम लोग तैयार करते हैं या मतलब जहाँ हम बार्ड्स या पैरट्स का केज हम लोग रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर में होता है, और कुछ कुछ लोग आउटडोर में भी करता है, लेकिन ऊपर हम लोग शेड चढ़ा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पूरा शेड का नीचे हम लोग रखते हैं उनका केज या बनाते हैं एवारी या केजेस। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही कम मिलता है, अगर मिलता है तो वो अगर कोई शीशे वगैरह मतलब ग्लास लगा हुआ रहता है उनका ऊपर से वो आके मतलब उनका ऊपर से वो आके बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में पड़ता है। लेकिन वो जो यूवी रस्सी होता है, यूवी रस्सिया जो होते हैं सनलाइट के साथ, वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। जब कोई शीशा के ऊपर से वो मतलब आ रहा होता है, तभी वहाँ ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। इसलिए हम लोग जितने सारा कैल्शियम प्रोवाइड क्यों ना करें, फिर भी वो बार्ड्स या पैरेट्स का कुछ काम में नहीं लगेगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हम लोग जैसे कैल्शियम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान रहे उसके साथ विटामिन D3 का कुछ कॉम्पोजिशन उसके साथ आपको उनको देना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ कैल्शियम आप उन लोगों को प्रोवाइड करिए जिसके साथ कैल्शियम के साथ विटामिन D3 मिक्स किया हुआ है। ऐसे भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा मार्केट में, जैसे मैकलविट, ये एक ह्यूमन मेडिसिन है, अभी जो मैं यूज़ करता हूँ मैकलविट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका जो कॉम्पोजिशन है कैल्शियम विथ विटामिन D3, तो ये अगर आप प्रोवाइड करेंगे और आपका फार्म या एवियरी या केजेस इंडोर में रहेगा जहाँ उतनी अच्छी से सनलाइट नहीं आता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बार्ड या पैरट वो मतलब जो कैल्शियम आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका शरीर में वो एब्जर्व कर पाएंगे। और उसके साथ ये जो मिनरल्स खनिज होता है, ये भी बार्ड्स या पैरट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये तो हम सब भी जानते हैं। लेकिन जब तक अच्छा से कैल्शियम किसी बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में नहीं रहेगा, या वो मतलब बहुत अच्छा क्वांटिटी में मतलब जितना चाहिए उनको कैल्शियम उनको नहीं मिलेगा, तब तक किसी मिनरल्स या खनिजों को वो मतलब बार्ड्स या पैरट्स उनका शरीर में एब्जर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब खनिजों या मिनरल्स को एब्जर्ब करने के लिए भी कैल्शियम के ज़रूरत है। तो पहले क्या करना है, कैल्शियम प्रोवाइड करना है, और कैल्शियम को एब्जर्ब करवाने के लिए विटामिन D3 का ज़रूरत होता है जो सनलाइट से मिलता है। लेकिन हम लोगों का जो बार्ड्स या पैरट्स होता है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर में रखते हैं या आउटडोर में अगर रखते हैं, फिर भी वहाँ डायरेक्टली नहीं पहुँचता है। तो इसीलिए हम लोगों को विटामिन D3 कॉम्पोजिशन वाला कुछ कैल्शियम प्रोवाइड करना है, या सिर्फ कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे तो अलग से आपको विटामिन D3 उन लोगों को देना है, तभी जाके क्या होगा कि कैल्शियम बार्ड्स या पैरट्स उनका शरीर में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और जब भी ये कैल्शियम ठीक से बार्ड्स या पैरट्स उनका शरीर में एब्जर्ब कर पाएगा, तभी जाके वो जो मिनरल्स वगैरह होता है खनिजों, तभी जाके वो बार्ड्स या पैरट्स मिनरल्स को भी खनिजों को भी उनका शरीर में ठीक से एब्जर्ब कर लेंगे, तभी जाके कुछ काम में आएगा वो सारा चीज़। तो
ये कैल्शियम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब कैल्शियम एंड विटामिन D3। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैल्शियम का भूमिका कितना गुरुत्वपूर्ण है एक बार्स या पैरट्स के लिए। कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए चाहिए विटामिन D3, तभी जाके होगा कैल्शियम एब्जॉर्ब, और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तभी जाके बाकी जो मिनरल्स वगैरह होता है, खनिज होता है, वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और तभी जाके आपका बार्ड्स या पैरट्स बहुत ही हेल्दी, स्वस्थ, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, मतलब वो बिल्कुल फिट रहेगा। और तभी जाके जब ब्रीडिंग में आएंगे तभी उसका जो अंडे का जो लेयर होता है, ऊपर का जो कवर होता है, वो भी पतला नहीं होगा, वो हार्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अंदर जो बच्चा हैच होके निकलेगा वो भी बहुत तंदुरुस्त, मतलब एकदम फिट, बिल्कुल सही सलामत निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अंडा ले कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा फर्टाइल भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी समझ गए हैं कि कैल्शियम कितनी ज़रूरी होता है बार्ड्स या पैरट्स के लिए, और सिर्फ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम के साथ हम लोगों को विटामिन D3 भी प्रोवाइड करना है। यहाँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को याद रखना है कि देखिए विटामिन डी या डी टू विटामिन डी या विटामिन D2 बार्ड्स या पैरट्स का कुछ काम का नहीं, मतलब वो बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में आए रहे या ना रहे, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो चाहिए होता है विटामिन D3 प्रोवाइड करने है, उसके बाद जो बाद आता है ये जो खनिज मतलब मिनरल्स वगैरह, ये तो वेजिटेबल्स में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज का दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी उगाने के लिए बहुत ज़्यादा रासायनिक सार का प्रयोग किया जाता है वेजिटेबल्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब वो लोग उगा सके। हरे सब्जी या सब्जी वगैरह तो बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बार्ड्स या पैरट्स के सेहत के लिए, लेकिन यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रासायनिक सार का प्रयोग मतलब करके ज़्यादा उगाने के लिए वो लोग तो करता रहता है, और उसी कारण से बार्ड्स या पैरट्स को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं दे सकता है ये वेजिटेबल्स वगैरह। तो ठीक है, और फ्रेंड्स जब भी ये वेजिटेबल्स या सब्जी का बात आते हैं तभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आप लोगों को जानना चाहिए कि देखिए कुछ कुछ सब्जी वेजिटेबल्स में ऑक्सालिक एसिड रहता है, ऑक्सालिक एसिड रहता है, इसका काम होता है कैल्शियम को बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में एब्जर्ब होने में रुकावट डालना, मतलब इतनी आसानी से बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में ये कैल्शियम को एब्जर्ब मतलब करने नहीं देगा। और एक काम है कैल्शियम को ये पूरी तरह से मतलब पूरी तरीके से डैमेज कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो एज ए एग्जाम्पल हम आप लोग कह सकते हैं कि ये जो पालक साग होता है, बंगाली में हम लोग कहते हैं पालोंग साग, तो ये जो पालक अगर आप अपना बार्ड्स या पैरट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ कैल्शियम प्लस विटामिन D3 का कॉम्पोजिशन है, या अलग से विटामिन D3 और कैल्शियम आपको प्रोवाइड करना है अगर आप पालक साग, और भी बहुत सारा सब्जी है, तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ पालक जो जिनमें सबसे ज़्यादा होता है, अगर आप अपना बार्ड्स या पैरट्स को पालक प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको क्या करना है उसके साथ विटामिन D3 एंड कैल्शियम प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का मन में छोटा छोटा जो क्वेश्चंस था, जो डाउट्स था, वो शायद सारे क्लियर हो चुका है। और अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका ऊपर भी एक वीडियो बना के उसका सही सही आंसर देने के लिए। और देखिए यहाँ एक छोटा बात ये भी मैं कह देना चाहूँगा कि आप बहुत लोग हमको कॉमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कॉमेंट्स करते हैं, देखिए सबका कॉमेंट्स पिकअप करके उसका रिप्लाई देना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप मेरे सभी व्यूअर, सभी सब्सक्राइबर सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से जो प्यार हमको मिलता है, मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ कि इतना लोगों मतलब मेरे सब्सक्राइबर अभी नियर अबाउट 27,000 8,000 ऐसे कुछ है, तो इतना लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है, इतना इंस्पायर होता हूँ आप लोगों का कमेंट से, ये मैं मतलब दिल से मतलब दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, मतलब बहुत खुशी होती है हमको, मतलब आप लोगों को कभी कभी बहुत वक्त तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है, जब भी मैं कमेंट्स ओपन करता हूँ मेरा दिल भर जाता है,
मैं और भी इंस्पायर हो जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स देख के। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं कैसे बताऊँ, कैसे आप लोगों को थैंक यू बोलूँ, उसका कोई मतलब मैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिल से मतलब दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हम मतलब हमको ये प्यार देने के लिए। बिल्कुल, इस वीडियो तो में मैं जो मतलब आप लोगों को बताना चाहा कि हम सारे जो बर्ड्स लवर होते हैं, मतलब हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हैं उन लोगों का, सब भी सारे बर्ड्स लवर ब्रीडर जो कोई भी है, जो हम सारे जो घर में बर्ड्स या पैरट्स को रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मतलब जितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े हम लोग करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के या थोड़ा जान के मतलब हम लोग क्या करना सही रहेगा। हम तो कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं हम सब, फिर भी थोड़ा जान के कि क्या देना है, क्या सही तरीका है, थोड़ा ये सब जान के अगर सही तरीके से करेंगे, जो कर रहे हैं वो सही तरीके से करेंगे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का घर में जब कोई बार्ड्स या पैरट्स अंडा ले करता है और उनमें से नया चिक हैच होके निकल आता है, तब बहुत मतलब जो खुशी मिलते हैं वो मतलब हम सारे तो बार्ड्स लवर ही है, वो डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास भी कोई लैंग्वेज नहीं है, मतलब मैं कैसे मतलब सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस मतलब उसको किया जाए वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आप सारे शायद फील कर सकते हो कि वो क्या मतलब वो जो खुशी होता है वो कितना अनमोल होता है, कितना अच्छा होता है। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा हम लोग सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा जान के थोड़ा सही तरीका क्या होता है, सही चीज़ क्या होता है, यही जान के अगर हम केयर ट्रीटमेंट करेंगे हम लोगों का बर्ड्स या पैरट्स का, तो वो लोग तो बहुत हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आसानी से कोई बीमारी भी नहीं आएगा, और उसका ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड मिलेगा, मतलब नया नया चिक हम लोगों का घर में आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप सभी को बहुत अच्छा लगा, और आप मेरा चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब किया तो देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकॉन अपेयर हो जाएगा, उस बेल आइकन का ऊपर भी आप एक बार प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपका मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे किसी नया टॉपिक नया वीडियो के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।